हेलो रेवन, तो एक क्वेश्चन को लेकर के बच्चों के बीच बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि एक सब्जेक्ट के लिए कितना बुक रेफर करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टॉपर द्वारा अलग अलग बुक सजेस्ट किया जाता है। तब बच्चों के बीच जो है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आपका लेसन बना रहा हूँ। इसमें बेसिकली क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री को बेस मानकर इस लेसन में जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप तैयारी करते हैं तो क्या होता है, प्रत्येक एग्जामिनेशन का एक डिमांड होता है। तो हमको क्या करना होता है कि इस एग्जामिनेशन का डिमांड है उसको फुलफिल करना होता है। तो एग्जामिनेशन का डिमांड पता कहाँ चलता है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया जाता है और देखा जाता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब क्या है कि अलग अलग टॉपर जब अलग अलग बुक सजेस्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है कि उसमें से कोई कॉमन बुक चूज कर लेना है। मान लीजिए आप 10 को वीडियो टॉपर का देखें, तो उसमें से आपको बताते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मैक्सिमम जो टॉपर होते हैं स्पेक्ट्रम सजेस्ट करते हैं, तो मान लेते कि आप स्पेक्ट्रम ले लिए। अब क्या है कि सारे चीज स्पेक्ट्रम में नहीं मिलता है। जनरली क्या होता है, प्री एग्जामिनेशन के लिए सारे चीज मिल जाता है, ऐसे काम भी चल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको मतलब इस बुक को पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे बात करते हैं कि देखिए इसमें लगभग सारे चीज मिल जाता है, लेकिन क्या है कि किसान आंदोलन की बात करते हैं, वामपंथ के उदय की बात करते हैं इत्यादि, इस बुक में आपको बढ़िया से नहीं मिलता है। तब क्या है कि उसके लिए हम एक बुक उठाएंगे। अब क्या होता है, गलती यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कोई बोले कि आपको बिपिन चंद्रा का पढ़ लीजिएगा, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, तब बच्चे लोग क्या करते हैं कि पूरा यहाँ पेज से उठाएं और यहाँ से पूरा एकदम पढ़ना शुरू कर दिए। तो आपको वो नहीं करना। अगर इस बुक से पढ़ने के बाद आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं और सारे प्रश्न बन जा रहे हैं, तब क्या है कि सिर्फ ई बुक को उसके लिए आपको रेफर करना है जो कि इस बुक में आपको नहीं दिया गया। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या क्या मैंने पर्सनली सभी बुक को पढ़ा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं देखिए पढ़ाता भी हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं हर एक चीज को पढ़ता हूँ, है ना। लेकिन इतना स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है, मैं टीचर हूँ इस कारण से अलग अलग बुक पढ़ते रहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि आपको उतना जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पर बताता हूँ, मैं सभी से पढ़ाऊँ, लेकिन इसमें क्या है देखिए कुछ कुछ आपको दिखाता हूँ, शायद आपको दिखाई दे। देखिए इसमें देखिए क्या है कि सारे पर टिक नहीं लगा, सिर्फ एक यहाँ पर टिक लगाया गया। देखिए क्या इसमें है टॉपिक, नागरिक और आदिवासी विद्रोह। मुझे लगा कि इस बुक में ज्यादा बेहतर दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर यहां पर देखिए किसान आंदोलन यहां आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिए किसान आंदोलन है यहां पर देखिए। फिर यहां पर आप देख रहे होंगे वामपंथ का उदय यहां पर देखिए, ठीक ना, यहां पर आपको दिखाई वामपंथ का उदय, ठीक है। चलिए एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ फिर क्या है कि 1930 और 1940 के दशक किसान आंदोलन यहां पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए क्या है कि इसमें बेसिकली क्या है कि मैं उसी चीज पर टिक लगाया हूं जो कि है कि इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से दिया गया है। तो इसमें क्या है आपको देखिए यहां पर दिया सांप्रदायिकता का उदय और विकास यहां पर आपको दिया गया है, बाकी समय नहीं है। तो क्या है कि देखिए जनरली एक क्या हो गया, बेस मटेरियल हो गया कि प्री बेगर एग्जाम है तो या बच्चों के लिए जो है यही आपको करना है, ठीक ना। और साथ में क्या है कि इस टॉपिक इस बुक में जो टॉपिक नहीं दिया गया उसके लिए रेफर कर लेंगे, बात समझ में आ गया। तो इस तरह से बुक को पढ़ा जाता है, ना कि पूरा बुक, क्योंकि आपको बुक समाप्त नहीं करना है, आपको एग्जामिनेशन का डिमांड पूरा करना है ना। इस बुक से नहीं मिला इसमें करना है। अगर मान लेते हैं देखिए अब क्या है कि पहले जनरली जो मेंस होता था हिस्ट्री ऑप्शन के लिए जो तैयारी करते थे एक बुक से काम चल जाता था, लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि एनालिटिकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके लिए फिर क्या है कि शेखर बंदोपाध्याय कहा था प्लासी से विभाजन तक, है ना। तो इसमें क्या है कि जो एनालिटिकल क्वेश्चन है उसको बहुत ही बेहतर ढंग से बहुत ही अच्छा तरीके से इसमें दिया गया, सुन मेरा, तो उसके लिए पढ़ना। अब देखिए एक आपको एक बुक दिखाई दे रहा होगा बिपिन चंद्र आधुनिक भारत का इतिहास। ये बेसिकली क्या है कि जो पहले एनसीईआरटी का जो बुक आता था, ओल्ड एनसीईआरटी, वो अब नहीं आता है, उसके जगह पर ए आता है, तो ए वाला बुक है। अब एक चीज नोटिस किया होंगे, देखिए आज के डेट में अगर स्पेक्ट्रम आप लीजिएगा दोस्त, है ना, तो ये आपको इतना मोटी दिखाई देगी, इतना मोटा, समझ में आ रहा। लेकिन ये क्या है कि बहुत पहले लिया गया था, ये 2014 के आसपास में मैंने ये बुक खरीदा था। लेकिन क्या है कि चूंकि हम इतना सारा बुक पढ़ चुके हैं, इससे हमारा काम चल जा रहा है ना, तो नया बुक लेने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए साथ ही क्या है कि बुक जब पढ़िएगा तो पढ़ने के दौरान क्या होता है कि वहीं पर रिलेवेंट, जैसे मान ली कि ये भी बुक पढ़ ली हम, ये भी बुक पढ़ लिए बाबू, है ना, आप जान रहे हैं कि मेन हमको ये रेफर करना है, मेन क्या करना है, ये रेफर करना है प्री पर्सपेक्टिव से। तब क्या करें कि रिलेवेंट जो इधर मटेरियल जो भी मिलेगा ना, टेस्ट लिस्ट जो मिलेगा उसको क्या करना है, इसी में लिख देना। देखिए आपको दिखाता हूं, देखिए अलग अलग चीज आपको लिखाई अलग अलग जगह पर लिखा हुआ दिखाई देगा, यहां पर भी देखिए, और आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा अलग अलग चीज, है ना। तो ऐसे कर लेना, यहां पर देखिए बहुत सारा चीज आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि एक दिन में सब बन जाता है, देखिए बहुत सारा चीज आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, है ना, देखिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। तो अलग अलग बुक को क्या करना, इसी को रेफर करना। अगर अभी हमको मान लीजिए कोई एग्जाम देना होगा,
तो इसमें क्या किया जाएगा दोस्त कि सिर्फ इसको रेफर करेंगे और इसमें पूरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखिए आपको दिखाते चल रहा हूं उसको समझिएगा। देखिए अलग अलग जगह इस पर आपको टिक लगा हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा यहां पर देखिए तो इतना है ना। हालांकि इसका मैं एक लेसन ही बना दूंगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक जो भी अधिनियम आया बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है, उसको जरूर देखिएगा। हर एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है, चाहे बीपीएससी की तैयारी करें, चाहे यूपीएससी के, चाहे ग्रुप डी की तैयारी करें, इतना बेहतर तरीके से आपको बताया गया है, समझ में। तो देखिए यहां पर क्या है, सारे जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन था, अलग अलग बुक से जो इन्फॉर्मेशन मिला है इसी को, मतलब अगर हमको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के एक्ट पढ़ना हो तो हमको बता रहे हैं कितना देर लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, है ना, मैक्सिमम कितना लगेगा 5 मिनट लगेगा। तो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है लिखा गया है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बुक को पढ़ा जाता है, अगल बगल जो भी चीज इन्फॉर्मेशन मिलता है वो, तो कोई एक वो आपको बेस मटेरियल बनाना है, ठीक है ना। साथ ही देखिए क्या, अच्छा इसमें आप देखिए इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं अच्छा लगा, मतलब ये रिलेवेंट नहीं लगा, छोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ देखिए एक इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लगा तो यहाँ उसको टिक लगा दिया गया है ना। बाकी मतलब क्या है कि बुक को पढ़ने बिल्कुल समय नहीं लगता। जैसे कि आता है कई बार बच्चे लोग बोलते हैं कि सर इसको तो पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। तो देखिए क्या होता है, पहली बार जब बुक पढ़िएगा दोस्तों तो हमको भी इसको पढ़ने में कम से कम इतना भी कम समय लगा होगा, तो 15 दिन तो जरूर लगा होगा, ज़्यादा ही लगा होगा तो कम बोल रहे हैं, ज़्यादा ही लगा होगा, ठीक ना। लेकिन अगर आज हमको बुक को पढ़ना हो तो 1 से 1.5 घंटा के अंदर हम पढ़ जाएंगे। क्योंकि क्या है कि बुक पूरा नहीं पढ़ना, देखिए मेन में जो स्टिक लगाया है उसको क्या करना है, पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पर टिक लगाया हुआ है, लगाया यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा, है ना, बाकी नहीं उसको नहीं पढ़ेंगे, जो टिक लगाया उसको खाली पढ़ लेंगे, देखिए है ना। तो इस तरह से क्या, यहाँ पर देखिए कुछ कुछ लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से। बाकी देखिए यहां पर ये भी एक ओरिएंटल ब्लैक स्वान का एनसीईआरटी वाला है। अब क्या है कि बुक में पूरा पढ़ूंगा अगर पढ़ना होगा तो नहीं, इसमें बेसिकली आप देखिएगा पेंसिल से लगा, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए जहां जहां सिर्फ पेंसिल से दोस्त लगाया गया है ना उसी को क्या करेंगे, सिर्फ हम पढ़ेंगे और बाकी पूरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जहां तहां पेंसिल से लगाया हुआ, मेन चीज को क्या है, जो इन्फॉर्मेशन उसको टिक लगा दिया गया है, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से क्या क्या आता है, कोई भी बुक को पढ़ा जाता है। ध्यान नहीं रखना है कि कोई एक बुक को आपको बेस्ट मटेरियल बना लेना है, कोई भी एक बुक को बेस्ट मटेरियल बनाना है, और जो टॉपिक इसमें से आपको समझ में इसमें नहीं आया ना तब क्या करना है, कोई दूसरे बुक को रेफर करना है, सिर्फ उस टॉपिक के लिए जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं कि ये भी वही चीज पढ़ रहे हैं फिर यहू पूरा पढ़ रहे हैं, यहू पूरा पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपको विद्वान नहीं बनना है। हम टीचर हैं तो हम पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है, पढ़ाना ही तो हमारा तो ही काम है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपको विद्वान नहीं बनना है। आप विद्वान बनने के चक्कर में रहिएगा तो एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा, या आप दिमाग बांध कर रख लीजिए, ठीक है ना, गांठ बना के मतलब जैसे बोला जाता है आप कर लीजिए कि अगर आपको एग्जामिनेशन और क्वालिफाई करना है ना तब विशेषज्ञ मत बनिए, जनरल तरह के नॉलेज रखिए, बेसिक नॉलेज रखिए। अगर आप उसमें पीएचडी करने लगे ना तो आप बर्बाद होकर रह जाइएगा। अगर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इतना 4 बुक पढ़िएगा तो आपके पास इतना समय है हो बबुआ, और बहुत सारा चीज पढ़ना है तब तो दिक्कत वाली बात हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस लेसन से आपको जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता था जरूर कन्वे कर पाया हूँ, है ना। तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए अपने तैयारी में, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।